हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहां पर हम लोग तुलसी यानी कि ऑसिमम के फ्लावर का डिसेक्शन करने वाले हैं और ऑसिमम से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आज यहां पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है हम उसको देख लेते हैं। तो ऑसिमम बेसिकली आती है क्लास डाइकोटिलीडॉन्स में, सब क्लास गैमोपिटेली, सीरीज बाइकार्पेलेट, ऑर्डर लैमियल्स, फैमिली लैबिएटी या जिसे अब हम लैमिएसी के नाम से जानते हैं। सो बेसिकली 8 फैमिलीज हैं जिनके नामों को चेंज किया गया है क्योंकि उनके नाम में एसी वर्ड नहीं आता था। तो ऐसी 8 फैमिलीज हैं डिफरेंट जिनके नामों को चेंज किया गया है और अब ये वाले नेम जो है ये नए वाले हैं जिनमें एसी सफिक्स लगा हुआ है। तो ऐसी जो नेम है ये नए वाले हैं, हालांकि अभी भी ये जो पुराने वाले नेम है ये भी अभी यूज किए जा रहे हैं। सो यहाँ पर फैमिली है लैमिएसी और जीनस हमारा है ऑसिमम। सो यहाँ पर हमने ऑसिमम के सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को एक जगह लिख लिया है। आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए ताकि जब भी आपको क्वेश्चन या इसका आंसर लिखना हो एग्जाम में अपने कि ऑसिमम के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करिए या लिखिए, तो उस केस में आपसे ये कैरेक्टर्स नहीं छूटने चाहिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ऑसिमम के। तो हम लोग यहाँ पर कुछ जो ये इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं इनको ज़रा समराइज कर लेते हैं, उसके बाद हम सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स उसको एक एक करके देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ऑसिमम एक एरोमेटिक प्लांट है, इससे एक अरोमा आती है। इसके अलावा इसके स्टेम की अगर हम बात करें तो इसका स्टेम क्वाड्रेंगुलर होता है, यानी कि जब आप स्टेम को कट करेंगे, स्टेम का टीएस कट करेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा कि इसके स्टेम में 4 कॉर्नर्स प्रेजेंट होते हैं। ये राउंड स्टेम नहीं होता, ये एंगुलर होता है, क्वाड्रेंगुलर होता है। इसमें आपको 4 एंगल्स या 4 कॉर्नर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके लीव्स की बात करें तो इसमें आपको अपोजिट डेक्यूसेड अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जिसको अभी हम आपको बताएंगे भी। और मार्जिन की बात करें तो लीफ में आपको मोस्टली सीरेट मार्जिन देखने को मिलेगी। हालांकि ऑसिमम की अलग अलग स्पीशीज भी आती हैं, उनमें आपको थोड़े वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें यहाँ पर इन्फ्लोरोसेंस की, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली लैमिएसी का, जो कि है वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस। और वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस में भी जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है और जो फ्लावर के नंबर्स होते हैं वो वेरी करते हैं लैमिएसी के मेंबर्स में। यानी तुलसी में आपको थोड़ा सा अलग वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप लैबिएटी के और दूसरे मेंबर्स को देखें तो उनमें आपको अलग तरीके का वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस देखने को मिलेगा, जिसमें जो फ्लावर्स होंगे उनके नंबर में आपको वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर इसका यह है कि ये जो फ्लावर इसका होता है ऑसिमम का, ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर हाइपोगाइनस अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि जो ओवरी है वो सुपीरियर पोजीशन पे होगी और कैलेक्स और करोला ओवरी के बेस से नीचे से अराइज कर रहे होंगे, इसलिए ओवरी आपको यहाँ पर सुपीरियर पोजीशन में देखने को मिलेगी और बाकी के वर्ल्स नीचे से अराइज कर रहे होंगे, इसलिए हाइपोगाइनस कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कैलेक्स और करोला यहाँ पर बाइलेबिएट होते हैं और कैलेक्स में आपको 1/4 अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेपल्स हैं 5 सेपल्स होंगे जिसमें से एक सेपल होगा जो पोस्टीरियर वाला होता है वो बड़ा होगा और बाकी के 4 सेपल्स आपको एक साथ देखने को मिलेंगे। जबकि करोला के केस में जो पोस्टीरियर पेटल होगा वहां पर 4 पेटल्स एक साथ फ्यूज्ड होंगे और एंटीरियर एंड पर सिर्फ आपको एक पेटल देखने को मिलेगा। ये अभी हम आपको क्लियर करेंगे जब हम आपको फ्लावर दिखाएंगे। इसके अलावा स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 स्टेमन्स मौजूद होते हैं और डाइडाइनमस कंडीशन होती है, यानी कि 2 स्टेमन्स थोड़े से बड़े होंगे और 2 स्टेमन्स थोड़े से छोटे होंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर गाइनोबेसिक स्टाइल देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये ऑसिमम का और ये बहुत पूछा भी जाता है। तो गाइनोबेसिक स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो स्टाइल होता है वो ओवरी के बेस से अराइज कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पर आपको गाइनोबेसिक स्टाइल देखने को मिलती है।
इसके अलावा जब आप ओवरी का टीएस कट करते हैं तो आपको टेट्रालोक्युलर कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें कि एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर गाइनोशियम में बिफिड स्टिग्मा भी देखने को मिलेगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको यहाँ पर एक ही पेज पर देखने को मिल रहे हैं। सो स्टेम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दो टाइप्स के स्टेम्स देखने को मिल सकते हैं। एक है हर्बेशियस, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ग्रीन वाला, या फिर आपको वुडी फॉर्म में भी स्टेम देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर स्टेम में वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं हर्बेशियस और वुडी। इसके अलावा अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम आप देख सकते हैं एरियल स्टेम है, सीधी सीधी एकदम जा रही है, एरियल स्टेम है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेम ब्रांच है, और स्टेम में आपको ब्रांचिंग भी देखने को यहाँ पर मिल रही है। इसके अलावा स्टेम की अगर हम बात करें तो ये क्वाड्रेंगुलर है। जब आप इसका टीएस कट करेंगे तो आपको इसमें चार एंगल्स देखने को मिलेंगे, और स्टेम पर आपको छोटे छोटे हेयर्स भी दिखाई दे रहे होंगे, तो स्टेम हेयरी भी है। लीव्स यहाँ पर रैमल एंड कॉलाइन है। कॉलाइन यानी कि जो लीव्स हैं वो मेन स्टेम पर भी आपको देखने को मिल रही हैं, ये मेन स्टेम है, और इसके साथ साथ आपको लीव लैटरल ब्रांचेस पर भी देखने को मिल रही है। अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पर लैटरल ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं, और लैटरल ब्रांचेस में भी आपको यहाँ पर लीव देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर रैमल एंड कॉलाइन अरेंजमेंट मौजूद है लीव्स के केस में। लीव्स में आपको यहाँ पर अपोजिट डेक्यूसेट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। अपोजिट अरेंजमेंट क्या होता है, जब एक ही नोड पे, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये नोड है, और एक ही नोड पर दोनों लीव्स लगे हुए, तो यहाँ पर अपोजिट अरेंजमेंट होता है। अब अपोजिट में भी दो टाइप्स के अरेंजमेंट होते हैं, बट यहाँ पर आपको अपोजिट डेक्यूसेट अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। डेक्यूसेट अरेंजमेंट आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर जो लीव्स हैं ये एक प्लेन में है, सीधी लाइन में इस तरफ जा रही है, ठीक है, और जो इसके ऊपर वाली लीव है वो जस्ट इसके राइट एंगल पे, यानी ऐसे ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे ऐसे लगी हुई हैं इस तरफ, और जबकि जो ये नीचे वाली लीफ थी ना, ये इस तरफ इस डायरेक्शन में लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए, ये देखिए, ये जो लीव्स हैं ये ऐसे लगी हैं, और इससे ऊपर वाली लीफ जस्ट इसके राइट एंगल में लगी हुई हैं, फिर इसके ऊपर वाली लीफ जस्ट इसके राइट एंगल में, यानी ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लगी हैं, फिर इसके ऊपर ऐसे बेंड हो गई हैं। तो यहाँ पर आपको राइट एंगल का डिफरेंस देखने को मिलेगा हर लीफ में, और इसी टाइप के अरेंजमेंट को हम अपोजिट डेक्यूसेट अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। लीफ की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर पीटियोलेट लीफ देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्टॉक है ये पीटियोल है, पीटियोल प्रेजेंट है, और इसके साथ साथ जो लीफ है वो लीफ यहाँ पर सिंपल लीफ मौजूद है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल लीफ है, ओवेट शेप है, स्लाइटली ओवल शेप की है। लीफ की मार्जिन की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर सिरेट मार्जिन देखने को मिल रही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सिरेट मार्जिन मौजूद है, और एपेक्स यानी कि टिप की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर पॉइंटेड एपेक्स देखने को मिल रहा है, जिसे हम एक्यूट एपेक्स के नाम से जानते हैं। वेनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न देखने को मिल रहा है। यूनिकोस्टेट क्योंकि आपको एक सिंगल प्रोमिनेंट मिडरिप देखने को मिल रही है सेंटर में, जिसे आप देख सकते हैं, तो ये यूनिकोस्टेट वेनेशन है, और इसके साथ साथ इससे जो छोटी छोटी वेनलेट्स निकल रही है वो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रही है, इसलिए आपको यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है। सो लीफ के केस में आपको जो वेनेशन पैटर्न देखने को मिल रहा है वो है यूनिको स्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न। इसके अलावा जो लीफ है इस पे बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये एरोमेटिक होती है। सो अब हम बात कर लेते हैं इन्फ्लोरोसेंस के बारे में। इन्फ्लोरोसेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ऑसिमम के केस में, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरोसेंस है वर्टिसिलास्टर, और इसमें आपको फ्लावर्स इस तरीके से अरेंज्ड दिखाई देंगे जो कि एक फॉल्स वर्ल का अपेयरेंस देते हैं। इसके साथ साथ जो फैमिली लैमिएसी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस प्रेजेंट होती है, लेकिन उनमें भी वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस में वेरिएशंस देखने को आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले आप जो ये इन्फ्लोरोसेंस को देख रहे हैं, जो ये इन्फ्लोरोसेंस एक्सिस है, इसमें कई पॉइंट्स प्रेजेंट है जिन्हें हम कहते हैं नोड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट्स हैं जिन पर आपको फ्लावर्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं नोड्स, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये जो नोड्स हैं, हर नोड पर आपको दो ब्रैक्स देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एक ब्रैक्ट है और ये दूसरा ब्रैक्ट है। इस तरीके से आप ऊपर जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये एक ब्रैक्ट है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लीफी वाला,
ये एक ब्रैक्ट है और इसके जस्ट पीछे आपको दूसरा ब्रैक्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो ब्रैक्स का अरेंजमेंट है अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हर नोड पर जो ब्रैक्स अरेंज है वो भी अपोजिट डेक्यूसेड मैनर में अरेंज्ड हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इस नोड को देखिए, इस नोड पर ब्रैक्स ऐसे ऐसे अरेंज है, ये एक ब्रैक्ट है और ये एक ब्रैक्ट है, ठीक है। जब आप अगले नोड पर ऊपर की तरफ मूव करेंगे तब आप देखेंगे ये अपोजिट डेक्यूसेड मैनर में नेक्स्ट वाला ब्रैक्ट अरेंज है, यानी कि जस्ट राइट एंगल पे, पहले वाले ब्रैक्ट के जस्ट राइट एंगल पर दूसरा ब्रैक्ट यहाँ पर आपको अरेंज दिखाई दे रहा है। आप ये वाले ब्रैक्स देख सकते हैं, ये ऐसे ऐसे लगे हुए हैं और ये वाला जो ब्रैक्ट है और इसके पीछे वाला ये इस तरीके से अरेंज्ड है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये देखिए, ये एक ब्रैक्ट है और इसके जस्ट पीछे आपको यहाँ पर दूसरा वाला ब्रैक्ट देखने को मिलेगा पीछे की तरफ। फिर जब आप और ऊपर की तरफ मूव करेंगे तब आप फिर से देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्रैक्ट है ये इस ऐसे ऐसे अरेंज्ड है, अपोजिट डेक्यूसेड मैनर में आपको यहाँ पर ब्रैक्स अरेंज दिखाई दे रहे हैं। फिर आप थोड़ा और ऊपर जाएंगे, आप देखेंगे, ये देखिए, ये ब्रैक्ट सामने की तरफ है और इसका अपोजिट ब्रैक्ट जस्ट आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि ये जो वर्टिस इलास्टर इन्फ्लोरसेंस है, इसमें जो नोड्स हैं उनमें ब्रैक्स अपोजिट डेक्यूसेड मैनर में अरेंज्ड हैं। और इसके साथ साथ जो ब्रैक्ट है उसकी एक्सिल से यहाँ पर आपको फ्लावर्स अटैच्ड दिखाई देंगे और इस तरफ हर नोड पर बेसिकली तीन फ्लावर्स अरेंज्ड होते हैं। अभी हम आपको इसको और क्लियर वे में भी दिखाएंगे, इस तरफ तीन फ्लावर होंगे और इस तरफ भी तीन फ्लावर होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है और ये तीसरा वाला फ्लावर है। इस तरीके से आप इस तरफ भी देख सकते हैं, ये एक फ्लावर है, ये दूसरा वाला फ्लावर है और ये तीसरा वाला फ्लावर है। तो इस तरीके से आप हर नोड पॉइंट पर लगभग 6 फ्लावर्स को देख सकते हैं। सो यहाँ पर अब हम आपको एक नोड की कंडीशन दिखाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक नोड है और एक नोड पर दोनों तरफ ब्रैक्स लगे हुए हैं, एक ये ब्रैक्ट है और एक ये ब्रैक्ट है और यहाँ पर आपको ब्रैक्ट की एक्सिल से तीन तीन फ्लावर्स देखने को मिल रहे हैं। ये कंडेंस्ड डाइकेशियल साइम के फॉर्म में होते हैं, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बीच में आपको एक फ्लावर देखने को मिल रहा है और उसकी एक्सिल से दो फ्लावर्स अराइज कर रहे हैं, एक फ्लावर इस तरफ और एक फ्लावर इस तरफ। सिमिलरली आप इस साइड भी देख सकते हैं, बीच में एक फ्लावर है और उसकी एक्सिल से दो फ्लावर्स अराइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से वर्टिस इलास्टर इन्फ्लोरेसेंस के केस में फ्लावर्स अरेंज होते हैं और इसके साथ साथ हर नोड पर आपको इसी टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें आपको बेसिकली 6 फ्लावर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर ऑसिबम के केस में। सो जैसा कि हमने कहा कि वर्टिस इलास्टर इन्फ्लोरेसेंस में भी आपको बहुत सारे वेरिएशंस मिल सकते हैं, उसके लिए आप इस रिसर्च आर्टिकल को रेफर कर सकते हो। इसमें ये दिया हुआ है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बेसिकली वर्टिस इलास्टर है, बट यहाँ पर है क्या, वर्टिस इलास्टर इन्फ्लोरेसेंस में भी आपको बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, जहाँ पर द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ डाइकेशियम एंड द एक्सटेंट ऑफ ब्रांचिंग आर फाउंड टू बी वेरिएबल इन डिफरेंट टैक्सा। यानी कि जो फैमिली लैबिएटी के मेंबर्स हैं उनमें जो वर्टिस इलास्टर इन्फ्लोरेसेंस है उनमें भी वेरिएशंस देखने को मिले हैं। सो यहाँ पर हम लोग एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं, जिसमें कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर ये ऑसिमम का फ्लावर है, हमने एक रफ डायग्राम यहाँ पर बना रखा है और ये जो फ्लावर है ये बिल्कुल इसी तरीके से इन्फ्लोरोसेंस में अटैच्ड होता है जैसे मैंने बना रखा है। यहाँ पर खास बात क्या होती है, जो कैलिक्स है और जो करोला है इसमें आपको बाइलेबिएट कंडीशन देखने को मिलती है। बाइलेबिएट कंडीशन में क्या होता है, आपको दो लिप देखने को मिलेंगे, चाहे वो कैलेक्स हो, कैलेक्स में भी आपको एक अपर लिप देखने को मिल रहा है यहाँ पर और आपको एक लोअर लिप देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से आपको करोला में भी बाइलेबिएट कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें आपको एक अपर लिप देखने को मिलता है और एक आपको लोअर लिप देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो हमें देखना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कैलेक्स के केस में जो बाइलेबिएट कंडीशन है उसमें 1/4 अरेंजमेंट है। अब ये 1/4 क्या चीज है, 1/4 का मतलब ये है कि जो अपर लिप है, अपर लिप में आपको एक लार्ज लोब देखने को मिलेगा, सिंगल लार्ज लोब देखने को मिलेगा, जबकि जो लोअर लिप है, लोअर लिप में आपको 4
लोब्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, फोर लोब्ड कंडीशन आपको यहाँ पर लोअर लिप में देखने को मिलेगी। यानी ये जो कैलेक्स होता है ये पांच सेपल से मिलकर बना है। बाइलेबिएट कंडीशन यहाँ पर है जिसमें से जो अपर लिप है उसमें आपको सिंगल लार्ज लोब देखने को मिल रहा है, जबकि लोअर वाली लिप में आपको फोर लोब्ड कंडीशन देखने को मिलती है कैलेक्स के केस में। बट करोला के केस में इसका जस्ट रिवर्स होता है। करोला के केस में आपको 4x1 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहां पर अपर लिप में फोर लोब्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, जबकि लोअर लिप में आपको यहां पर सिंगल लार्ज लोब देखने को मिलता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होता है। तो ये जो फ्लावर है ये बिल्कुल इसी तरीके से अटैच्ड होता है वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरोसेंस में, जिसमें कि आपको कैलेक्स के केस में बड़ा वाला जो लोब है वो ऊपर की तरफ दिखाई देगा और बाकी के जो चार लोब्ड कंडीशन है वो आपको नीचे की तरफ दिखाई देगी, जबकि करोला के केस में आपको फोर लोब्स ऊपर की तरफ दिखाई देंगे और सिंगल लार्ज लोब नीचे की तरफ दिखाई देगा। और इसीलिए जब आप फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हो तो आप यहां पर 1x4 अरेंजमेंट लिखते हो, जिसका मतलब ये होता है कि वन लोब अपर लिप में है और फोर लोब्ड कंडीशन लोअर लिप में है कैलेक्स के केस में, जबकि करोला के केस में आपको फोर लोब्ड कंडीशन अपर लिप में देखने को मिलती है और वन लोब सिंगल आपको स्ट्रक्चर लोअर लिप में देखने को मिलता है। यही बाइलेबिएट कंडीशन है कैलेक्स और करोला के केस में, और इसी में आप कंफ्यूज्ड होते हैं, इसीलिए हमने आपको यहाँ पर क्लियरली सब कुछ बता दिया है। सो इसके अलावा एक टर्म और हम आपको यहाँ पर बताते हैं, जो कि है पोस्टीरियर लिप और एंटीरियर लिप। वो भी यहाँ पर अपर और लोअर लिप की जगह पर कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में यूज किया जाता है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। बेसिकली होता क्या है, जब आप फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो फ्लोरल डायग्राम में आप एक मदर एक्सिस बनाते हैं। मदर एक्सिस बेसिकली इंडिकेट करती है कि इस पॉइंट से फ्लावर अटैच्ड है, यानी कि इस तरीके से फ्लावर जो मेन पार्ट है फ्लोरल एक्सिस है उससे अटैच्ड है। और वही ये बताता है कि जो फ्लावर के पार्ट्स है कैलेक्स करोला उसमें किस टाइप से अरेंजमेंट है। और इस एंड को, जिस एंड पर मदर एक्सिस होती है उस एंड को हम पोस्टीरियर एंड कहते हैं। और इसके अलावा जो ब्रैक्ट आप बनाते हो, ब्रैक्ट जहां पर होता है उस साइड को हम एंटीरियर साइड कहते हैं। तो आपको अगर इसी चीज को एक्सप्लेन करना हो एंटीरियर और पोस्टीरियर के टर्म में, तो आप ये भी कह सकते हो कि द कैलेक्स कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लार्ज लोब इन द पोस्टीरियर लिप और इट कंसिस्ट ऑफ फोर लोब्ड कंडीशन इन द एंटीरियर लिप। इसी तरीके से आप करोला के केस में भी कह सकते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ फोर लोब्स इन द पोस्टीरियर लिप एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लोब इन द एंटीरियर लिप। तो इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, यानी कि ये जो अपर लिप है इन्हें हम पोस्टीरियर लिप भी कह सकते हैं और जो लोअर लिप है इन्हें हम एंटीरियर लिप भी कह सकते हैं। अभी हम आपको इसको वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस में दिखाते हैं, तब आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। सो यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे हमने डायग्राम बनाया था बिल्कुल उसी तरीके से फ्लावर अटैच है, आप देख सकते हैं वर्टिसिलास्टर से। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है सिंपल, आप जब फ्लोरल डायग्राम बनाते हो तो इसी तरीके से बनाते हो और ऊपर मदर एक्सिस बनाते हो, तो मदर एक्सिस की तरफ पोस्टीरियर साइड होता है। मदर एक्सिस बेसिकली इंडिकेट करता है कि फ्लावर इस तरीके से अटैच है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर की तरफ वाला लोब है ये अपर लिप है, इसे हम पोस्टीरियर लिप भी कह सकते हैं, जिसमें कि एक बड़ा लोब है, जबकि जो लोअर वाला है नीचे वाला लिप है इसमें आपको चार लोब दिखाई दे रहे हैं, फोर लोब्ड कंडीशन इन द लोअर लिप। और इसको हम एंटीरियर लिप भी कह सकते हैं क्योंकि ये ब्रैक्ट की तरफ होती है, ठीक है। तो ये हो गया कैलेक्स का केस, अभी हम आपको करोला का केस भी यहाँ पर दिखाते हैं। सो इस वाले फ्लावर को अगर आप देखो, ठीक है, इस वाले फ्लावर को हम लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो कैलेक्स है, कैलेक्स वाले में पोस्टीरियर लिप या अपर लिप में एक सिंगल लोब है, जबकि लोअर लिप या एंटीरियर लिप
जिसे हम कहते हैं, इसमें आपको चार लोब फोर लोब्ड कंडीशन देखने को मिल रही है, जबकि करोला के केस में इसका जस्ट रिवर्स है। करोला के केस में अपर लिप में आपको फोर लोब्ड कंडीशन देखने को मिल रही है, इसे हम पोस्टीरियर लिप भी कह सकते हैं, और लोअर लिप या एंटीरियर लिप में आपको सिर्फ एक लोब दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। कैलिक्स के केस में आपको 1/4 अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, जबकि करोला के केस में आपको 4/1 अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्लावर बिल्कुल इसी तरीके से सारे फ्लावर्स में आपको ये कंडीशन देखने को मिलेगी। सो फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर यहाँ पर ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि अभी हम इन्फ्लोरोसेंस के केस में देख भी चुके हैं। इसके साथ साथ जो फ्लावर है ये कंप्लीट फ्लावर होता है, क्योंकि इसमें आपको चारों ही वर्ल्स यानी कि कैलेक्स, करोला, एंड्रूशियम और गाइनूशियम चारों वर्ल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए फ्लावर कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट कंडीशन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसमें आपको एंड्रूशियम और गाइनूशियम दोनों सेम फ्लावर में देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ये जो फ्लावर है ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री शो करता है, यानी कि इसमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, जो वर्ल्स होते हैं, उनमें थोड़े से वेरिएशन होते हैं, थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी होती है, जिसकी वजह से यहां पर आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर देखने को मिलता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर बाइलेबिएट कंडीशन देखने को मिलती है आपको कैलेक्स और करोला के केस में, तो यहाँ पर आपको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलेगी, जिसमें फ्लावर को सिर्फ दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है एक वर्टिकल प्लेन पर। तो यहाँ पर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, और एक तरीके से यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। फ्लावर यहाँ पर हाइपोगाइनस कंडीशन में मौजूद है, क्योंकि जो वर्ल्स होते हैं यानी कि कैलेक्स, करोला, ये सब ओवरी के नीचे से अराइज कर रहे होते हैं, इसलिए हाइपोगाइनस कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे, जबकि ओवरी यहाँ पर टॉप पोजीशन पर आपको देखने को मिलती है, इसलिए सुपीरियर ओवरी यहाँ पर मौजूद होती है, और फ्लावर यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का फ्लावर देखने को मिल रहा है। सो अब हम बात कर लेते हैं कैलेक्स की। आपको यहाँ पर वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरोसेंस पे ये सिर्फ कैलेक्स ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो कैलेक्स है इसको अगर आप देखें तो कैलेक्स में आपको 5 सेपल्स देखने को मिलती है। गैमोसेपलस कंडीशन यहाँ पर होती है, यानी कि यहाँ पर सेपल्स फ्यूज्ड होते हैं, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बाइलेबिएट कंडीशन भी देखने को मिलेगी, जैसा कि अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, यानी कि आपको यहाँ पर एक अपर लिप में सिर्फ एक लार्ज लोब दिखाई देगा और लोअर लिप में आपको 4 लोब्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि आपको एक लोब दिखाई देगा पोस्टीरियर लिप में और 4 लोब्ड कंडीशन आपको दिखाई देगी एंटीरियर लिप में, ठीक है। तो ये बेसिकली है कैलेक्स, जो कि आपको ग्रीन इन कलर देखने को मिल रहा है, और इसके साथ साथ जो लोअर लिप में लोब्ड कंडीशन है उसमें आपको स्पाइनी प्रोजेक्शंस भी देखने को यहां पर मिलेंगे। ये आप देख सकते हैं यहां पर 4, क्योंकि सेपल्स नीचे की तरफ होते हैं, 4 लोब्ड कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो आपको यहाँ पर 4 ये स्पाइनी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं नीचे वाले लोब में। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कोरोला की। कोरोला के केस में आपको 5 पेटल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गैमोपेटलस कंडीशन है, बाइलेबिएट करोला है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको अपर लिप में, या फिर इसे हम पोस्टीरियर लिप भी कह सकते हैं, इसमें आपको 4 लोब्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, और लोअर लिप में आपको एक सिंगल लोब देखने को मिलेगा, या फिर एंटीरियर लिप भी इसे हम कह सकते हैं, जिसमें आपको एक सिंगल लोब देखने को मिलता है, जैसा कि हम पीछे डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर व्हाइट कलर का ये करोला देखने को मिल रहा है, और इसका जो करोला ट्यूब होता है वो शॉर्ट होता है, और ये जो करोला है ये बेसिकली बाइलेबिएट रिंजेंट टाइप है, यानी कि आपको यहाँ पर ओपन माउथ कंडीशन देखने को मिल रही है, जिसे हम रिंजेंट भी कहते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एंड्रूशियम की। एंड्रूशियम के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 स्टेमन्स मौजूद है, जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा है, 4 स्टेमन्स यहाँ पर हैं। पॉली एंड्रस कंडीशन है, यानी कि जो स्टेमन्स है वो फ्री हैं एक दूसरे से, लेकिन इपीपेटलस कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि जब आप फ्लावर को ओपन करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो स्टेमन्स है उनके फिलामेंट पेटल से अटैच्ड है, और इसी कंडीशन को हम लोग इपीपेटलस कंडीशन के नाम से जानते हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा
इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलेगा जो कि है डाई डायनेमस कंडीशन। डाई डायनेमस कंडीशन यानी कि आपको यहाँ पर जो चार स्टेमन्स देखने को मिल रहे हैं इसमें से दो स्टेमन्स बड़े होंगे और दो स्टेमन्स छोटे होंगे, इस कंडीशन को हम डाई डायनेमस कंडीशन के नाम से जानते हैं। सो जब आप फ्लावर को ओपन करेंगे आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर स्टेमन्स के केस में एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत क्लियरली, अगर आप देखें तो ये जो फिलामेंट्स हैं स्टेमन्स के ये पेटल से अटैच्ड है, दोनों ही वाइट कलर के हैं इसलिए आपको क्लियरली हो सकता हो ना दिख रहा हो, बट यहाँ पर एपिपेटलस कंडीशन मौजूद है और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस पॉइंट पर कि ये जो फिलामेंट है ये फ्लावर के जो पेटल है उससे अटैच्ड है। सो जब फिलामेंट पेटल से अटैच्ड होता है तो उस कंडीशन को हम एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं और आपको यहाँ पर ऑसिमम के केस में ये एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है। सो आप इस केस में एपिपेटलस कंडीशन को और अच्छी तरीके से देख सकते हैं जब आप यहाँ पर फ्लावर को थोड़ा सा और सेपरेट करेंगे और आप यहाँ पर अगर फिलामेंट को मूव करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फिलामेंट है ये पेटल से अटैच्ड है। तो ये भी ये देखिए ये यहाँ पर ये बेस से अटैच्ड है और इसी कंडीशन को हम एपिपेटलस कंडीशन के नाम से जानते हैं। ये देखिए ये आपको यहाँ पर डाई डायनेमस कंडीशन देखने को मिल रही है जिसमें आपको चार स्टेमन्स देखने को मिल रहे हैं और उन चार स्टेमन्स में से भी जो दो स्टेमन्स हैं इधर वाले वो बड़े हैं और इधर वाले जो दो स्टेमन्स हैं वो थोड़े से छोटे हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों की हाइट में, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दो स्टेमन्स आपको थोड़े से बड़े लग रहे हैं और दो स्टेमन्स थोड़े से छोटे लग रहे हैं। ये आपको यहाँ पर डाई डायनेमस कंडीशन देखने को मिल रही है। अब हम बात करने वाले हैं गाइनोशियम की। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्टिग्मा दिखाई दे रहा होगा। अब हम इस फ्लावर को ओपन करेंगे और जो गाइनोशियम की कंडीशंस हैं उनको देखेंगे यहाँ पर। सो गाइनोशियम के केस में आपको बाईकार्पेलरी सिन कार्पस टेट्रालोक्युलर कंडीशन देखने को मिलेगी। बाईकार्पेलरी क्योंकि यहाँ पर दो कार्पल्स मौजूद होते हैं, सिन कार्पस क्योंकि दोनों कार्पल्स फ्यूज्ड होते हैं और आपको यहाँ पर टेट्रालोक्युलर कंडीशन देखने को मिलेगी। यानी कि जब आप ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तब आपको यहाँ पर टेट्रालोक्युलर सिचुएशन देखने को मिलेगी, यानी कि चार लॉक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। और ये टेट्रालोक्युलर कंडीशन आपको एक सेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से देखने को मिलती है। हर लॉक्यूल में आपको एक ओव्यूल देखने को मिलेगा जो कि प्लेसेंटा के थ्रू सेंटर में अरेंज्ड होगा ओवरी के, इसलिए आपको यहाँ पर एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम ओवरी की बात करें तो ओवरी आपको बाहर से ही देखने में फोरलोब्ड कंडीशन में देखने को मिलेगी। बाहर से ही आपको लगेगा देख के कि यहाँ पर चार लोब्स मौजूद हैं और इसके साथ साथ ओवरी यहाँ पर सुपीरियर पोजीशन में मौजूद है जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पर ओवरी के बेस पर एक डिस्क प्रेजेंट होती है। सो अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर की जो कि है गाइनो बेसिक स्टाइल। आपको यहाँ पर ऑसिमम के केस में गाइनो बेसिक स्टाइल देखने को मिलती है जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो गाइनो बेसिक स्टाइल क्या होता है, बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा है ऐसी स्टाइल जो कि ओवरी के बेस से अराइज कर रही होती है, इसी को हम गाइनो बेसिक स्टाइल कहते हैं। तो ये स्टाइल ओवरी के बेस से अराइज हो रही होती है इसी को हम गाइनो बेसिक स्टाइल के नाम से जानते हैं। और आपको यहाँ पर स्टिग्मा की अगर हम बात करें तो आपको बाइफिड स्टिग्मा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो फ्रूट की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर फ्रूट में चार नटलेट्स देखने को मिलेंगे। ये जो चार स्ट्रक्चर्स आप येलो येलो देख रहे हैं ये नटलेट्स हैं और ये अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए, मैच्योर नहीं हुए। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं और हर नटलेट में आपको एक सीड मिलता है। सो ये देखिए ये है नटलेट्स जो कि डार्क ब्राउन कलर के होते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं और इनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम के बारे में। फ्लोरल डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पॉइंट है जिसे हम कहते हैं मदर एक्सिस। यहाँ पर मदर एक्सिस में भी आपको एक स्ट्रीट लाइन देखने को मिल रही है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि फ्लावर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है जिसमें आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। मदर एक्सिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्योंकि ये बताता है कि फ्लावर किस ओरिएंटेशन में किस तरीके से
इनफ्लोरोसेंस एक्सिस से अटैच्ड है। तो अगर आप यहाँ पर मदर एक्सिस देख सकते हैं और इससे जो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं उनका ओरिएंटेशन पता चलता है कि किस तरीके से फ्लावर अटैच है मेन स्टेम से या इनफ्लोरोसेंस एक्सिस से। तो जो हमारा मदर एक्सिस होता है उस तरफ जो पार्ट होता है उस साइड में हम पोस्टीरियर साइड उसको रिफर करते हैं, जबकि जो ब्रैक्ट वाला साइड होता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है ब्रैक्ट, और ब्रैक्ट वाली साइड को हम एंटीरियर साइड कंसीडर करते हैं। सो जैसा कि हम कैलक्स और करोला के केस में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आपको यहाँ पर बाइलेविएट कंडीशन देखने को मिलती है, तो कैलक्स के केस में आपको 1/4 अरेंजमेंट देखने को मिलता है, यानी कि आपको पोस्टीरियर लिप में ये वाला लिप जो ऊपर की तरफ है जो मदर एक्सिस की तरफ है वो पोस्टीरियर लिप है। पोस्टीरियर लिप में आपको एक सेपल देखने को मिलेगा, जबकि जो एंटीरियर लिप है उसमें आपको 4 सेपल देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको 4 लोब्ड कंडीशन एंटीरियर लिप में देखने को मिलेगी। जबकि जो करोला है करोला के केस में जस्ट इसका रिवर्स आपको देखने को मिलता है, करोला के केस में आपको 4/1 अरेंजमेंट देखने को मिलती है, यानी कि आपको पोस्टीरियर लिप में करोला के केस में 4 लोब्ड कंडीशन देखने को मिलेगी, जबकि आपको एंटीरियर लिप में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रक्चर या एक सिंगल पेटल देखने को मिलेगा, इसलिए आपको करोला के केस में 4/1 अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एंड्रूशियम के केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 स्टेमन्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये चारों स्टेमन्स पेटल से अटैच्ड है, इसलिए आपको यहाँ पर एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर डाइडाइनमस कंडीशन देखने को मिलती है, यहाँ पर 5th स्टेमन एबसेंट है। और इसके साथ साथ गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो गाइनोशियम के केस में आपको यहाँ पर बाइकार्पेलरी सिनकार्पस टेट्रालोक्युलर कंडीशन देखने को मिल रही है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 लोक्यूल्स देखने को मिलते हैं और हर लॉक्यूल में आपको एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको यहां पर ओवरऑल देखने को मिल रहा है। सो ये बेसिकली है फ्लोरल डायग्राम ऑसिमम का। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरल फॉर्मूले की। आपको यहाँ पर ब्रैक्टिएट कंडीशन देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जाइगोमॉर्फिक सिचुएशन प्रेजेंट है, हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल कंडीशन है क्योंकि यहाँ पर एंड्रूशियम और गाइनोशियम दोनों सेम फ्लावर में है। कैलेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सेपल्स के केस में 1/4 अरेंजमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको गैमोसेपलस कंडीशन देखने को मिलेगी। करोला की अगर हम बात करें तो पेटल्स के केस में आपको यहाँ पर 4 पेटल्स देखने को मिलेंगे पोस्टीरियर लिप में और 1 पेटल देखने को मिलेगा एंटीरियर लिप में और गैमोपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगी। दोनों ही कैलेक्स और करोला के केस में आपको बाइलेविएट कंडीशन देखने को मिलती है। एंड्रूशियम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 4 स्टेमन्स देखने को मिलेंगे, डाइडाइनमस कंडीशन होती है, 2+2 अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसके साथ साथ स्टेमन्स में आपको एपिपेटलस कंडीशन भी देखने को मिलेगी, यानी कि स्टेमन्स के फिलामेंट पेटल से अटैच्ड होंगे। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर बाइकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी जिसमें कि एक्साइल प्लेसेंटेशन प्रेजेंट होता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।